नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। करते हैं शुरुआत आज की कुछ मुख्य खबरों से। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से। हाथी मानव द्वंद के तहत जंगली हाथियों से बचने पूर्व वन मंडल भानु प्रतापपुर में प्रशिक्षण। आप सोलह तुलसी वाला जो याची है ये तो फिक्स है सर, ना? विगत दो महीने पहले कांकेर व्रत के अंतर्गत आने वाले पूर्व मंडल भानु प्रतापपुर के कई इलाकों में चंदा हाथियों के दल ने आतंक मचा रखा था, जिसके कारण कई घरों को काफी नुकसान हुआ। पूर्व वन मंडल भानु प्रतापपुर के डीएफओ मनीष कश्यप ने बताया कि पिछली बार चंदा हाथियों के दल ने ईरा गांव और सालहे में नुकसान किया था, लेकिन इस बार कुछ गांवों में भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया है, जिसमें 135 बाड़ियों तक पहुंच चुका है, जिसमें कई घरों को काफी क्षति हुई, जिसमें 10 घर को ज्यादा क्षति पहुंची, जिसको लेकर लगभग 24 लाख की मुआवजे की तैयारी पूर्ण हो गई, जिससे आने वाले दिनों में मुआवजे की राशि पीड़ित परिवारों को दी जाएगी। और भी आगे उन्होंने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रमुख हरीश साहू की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाथी जो है उसका बस्तर में भी आगमन हो चुका है और चंदा दल जो है वो महासमुंद गरियाबंद नमतरी होते हुए जो है भानु प्रतापपुर और बालोद में भी जो है आ रहा है और शायद इससे आगे भी जाने का इनका मतलब ये रास्ते खोज रहे हैं। तो अभी तो दो बार भानु प्रतापपुर में आ चुके हैं इसका हाथी का दल जो है चंदा दल, करीबन 25 से 30 के ग्रुप में थे। पहले जो है पिछले दीपावली के टाइम आए थे तो ईरा गांव और सालहे में दो गांव में काफ़ी नुकसान किए थे भानु प्रतापपुर के, फिर वो बालोद जिले और फिर धमतरी की तरफ घूमते रहे और अभी जो है एक मतलब 10 दिन पहले ही वो गए हैं यहाँ से भानु प्रतापपुर से। तो इसमें चार गांव जो है काफ़ी अफेक्टेड रहा और उन्होंने काफ़ी इस बार जो है नुकसान किया है। चार गांव में जो है 135 बाड़ियों तक वो पहुंचे हैं, जिसमें करीबन 30 घरों को उन्होंने कुछ तोड़फोड़ किया है और 10 घर तो ऐसे थे जिसको टोटली एकदम फ्लैट कर दिया है, बहुत तोड़ा है। तो अनाज के जो है मतलब रीज़न था जिसके चक्कर में वो हाथियों को जो है दल जो है गांव तक पहुंच रहे थे और बाकी बाड़ियों में जो है केला आम वगैरह भी लगा हुआ था तो इसकी वजह से आ रहे थे। तो इस चार गांव में करीबन 135 जो परिवार जो अफेक्टेड हुए हैं उनका मुआवजा तो हम बना रहे हैं। बाकी इतना मतलब इस बार का इतना मुश्किल वो था दौर था कि हमको हर बार पूरे के पूरे गांव को शिफ्ट करना पड़ रहा था, पक्के मकानों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में और एक बार तो निर्माणाधीन जेल में भी ले गए थे गाँव की मांग अनुसार जो है। तो इससे अच्छी एक ये हुआ कि कोई जनहानि नहीं हुई। नुकसान हुआ है करीबन 24 लाख का नुकसान हुआ है जिसका मुआवजा प्रकट बन गया है डिवीजन ऑफिस में और कुछ दिन में जो है ट्रेजरी से पास होके बजट अलॉट होगा तो फिर उसका लोगों को जो है